जगदलपुर में भाजपा नगर मंडल द्वारा प्रधानमंत्री के आह्वान पर मंदिरों की सफाई की गई। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। देश भर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अभूतपूर्व उत्साह का वातावरण है। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर पूरे देश में संघ संगठन समाज और सरकार के द्वारा तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा दिवस के अवसर पर देशवासियों से आह्वान किया कि 14 जनवरी मकर संक्रांति पोंगल और लोहड़ी के दिन से 22 जनवरी तक मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। प्रधानमंत्री के आह्वान से जगदलपुर नगर के दलपत सागर चौक स्थित राम जानकी मंदिर में बीजेपी नगर मंडल ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। नगर मंडल ने मंदिर की स्वच्छता के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर के समाज सेवियों से भी आह्वान किया था। भाजपा नेताओं के साथ समाज सेवी भी स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान मंदिर में जुटे और मंदिर प्रांगण की श्रद्धा पूर्वक सफाई में अपना सहयोग दिया। सफाई करने के बाद सबने भजन कीर्तन भी गाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, जबकि भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, और ऐसे में माननीय मोदी जी का आह्वान कि सभी मंदिरों की साफ सफाई हो, अभूतपूर्व माहौल पैदा हो रहा है। उसी तारतम्य में जगदलपुर में भी मंदिरों में साफ सफाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज राम जानकी मंदिर में आकर श्रमदान कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। एक अभूतपूर्व वातावरण का निर्माण सभी तरफ हो रहा है, सभी के प्रयास से हो रहा है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। Thank you.